अधिक गर्मी हम इंसानों के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी काफ़ी हानिकारक होती है। इस गर्मी के मौसम में पशुओं को विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। तो आज का विषय ये है कि कैसे इस गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल की जाए एवं उनको लू से बचाया जाए। तपती धूप और गर्म हवाओं से पशुओं को लू लग जाती है जिससे उनके दूध उत्पादन में कमी होती है। कई बार लू लगने पर सही समय पर उपचार ना किए जाने पर पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके लक्षण एवं उसके उपाय के बारे में। लू लगने के बाद पशु खाना कम कर देते हैं, आंखें लाल दिखाई देती है, हृदय की गति तेज हो जाती है, जीभ बाहर निकाल के बैठे रहते हैं, नाक में से खून आने लगता है और कभी कभी पशुओं को दस्त की शिकायत भी लग जाती है। अधिक गर्मी होने के कारण दूध उत्पादन में कमी होती है, दूध में वसा की मात्रा कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है, पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है एवं छोटे बछड़ों की मृत्यु भी होती है। लू से बचाने के लिए पशुओं को खुले में ना रहने दें। धूप से बचाने के लिए पशु आवास में ही रखें। पशु आवास की खिड़कियों को बोरे से ढककर उन्हें कम से कम 2 बार ठंडे पानी से नहलाएं। पशुओं के आहार में हरा चारा शामिल करें और हर दिन कम से कम 3 बार साफ एवं ठंडा पानी पिलाएं। पशु आवास के आसपास ठंडी हवाएं एवं छाव के लिए वृक्ष लगाएं। लू से प्रभावित पशु को पशु चिकित्सक को दिखाइए। पशु एवं पशुपालन से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर और पशु चिकित्सक से निशुल्क जानकारी प्राप्त करें। साथ ही आप प्ले स्टोर पर जाकर देहात किसान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और देहात से जुड़ सकते हैं। देहात का हाथ किसानों के साथ। धन्यवाद।